हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 जो नया अपडेट के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये इसका ग्रे कलर है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ चेंजेस किया गया है, इसकी इस कलर में डिजाइनिंग कैसी देखने की मिल रही है। इसके पहले मैंने ब्लैक कलर के साथ बनाया, वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं किस प्राइस में इसको लॉन्च की गई है, क्या इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं एक्सटेक 2.0 में। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। ये नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, इसके पहले वीडियो मैंने ब्लैक कलर के साथ रिव्यू किया है, वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में जो इसका ग्रे कलर के साथ आता है वो इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, और एक रेड कलर आती है उसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे अपडेट एक्सटेक 2.0 में, तो यहाँ पे हेड पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको LED हेडलैम्प के साथ DRS मिल जाता है। जो पहले एक्सटेक आती थी वो यहाँ पे LED DRS आती थी, लेकिन इसमें यहाँ पे LED DRS दे दिया गया है। तो फ्रंट से इसका जो हेडलैम्प है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो ग्राफिक्स है वो देख सकते हैं, काफ़ी चौड़े दे दिए गए हैं। पहले आपको थोड़े से पतले आते थे, और यहाँ पे स्ट्रिप भी दे दी गई है। पहले भी स्ट्रिप आती थी लेकिन पतली आती थी। बाकी हीरो स्प्लेंडर का यहाँ पे स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट है ये भी चेंज किया गया है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा ये इंडिकेटर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या फिर जो स्क्वायर शेप में आती थी वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था। तो यहाँ पे ये भी आपको एक नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो साइड से ग्राफिक्स है वो देख सकते हैं। ग्राफिक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है इस कलर के साथ, और यहाँ पे आपको डुअल टोन की ग्राफिक्स मिल जाएगी, और इसमें आपको स्पार्कल्स देखने को मिल जाते हैं। हीरो का 3D का में यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रे कलर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे ये भी चेंज किया गया है जो यूटिलिटी बॉक्स है यहाँ पे, ये भी आपको एक नया देखने को मिल जाता है, ये भी यहाँ पे चेंज किया गया है। बाकी यहाँ पे क्रोम के लेग गार्ड भी देखने को मिल जाते हैं। जो यहाँ पे एलावेस का पैटर्न है वो देख सकते हैं। मैट फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो सीट देखेंगे तो सीट में भी यहाँ पे चेंजेस किया गया है। इसमें आपको एक नई सीट देखने को मिल जाएगी, और पीछे का जो ये पार्ट देख रहे हैं ये भी आपको नया देखने को मिल जाता है। बाकी जो कैरियर है क्रोम के पहले की तरह देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम कवर भी देखने को मिल जाएगी। साइड में देखेंगे तो स्पेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की यहाँ पे बेसिंग देखने को मिल जाती है। तो नया अपडेट आप देख सकते हैं, इसमें आपको 3D मिल जाता है, जहाँ पे आपको ये आपको क्रोम कलर के साथ, और जो साइड में दिया गया है वो आपको ग्लॉसी फिनिश ब्लैक कलर के साथ देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे देती है। बाकी यहाँ पहले की तरह की स्टार्टर मिलता है। इंजन स्पेक्स पहले जैसे हैं। बाकी यहाँ पे ब्रेक्स आप देख सकते हैं पहले की तरह मिलेगा। सेफ्टी गार्ड यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप इसका फुट पोजिशन देख सकते हैं, ये भी पहले के जैसे हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। और रियर से भी इसका टेलियम डिजाइन देख सकते हैं। जो इसका टेलियम लुक है यहाँ पे ये चेंज किया गया है, तो इसकी जो टेलियम है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएगा। दूसरे साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं, सेम लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नीचे सारी गार्ड देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन पहले की तरह आपको रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये चेंज किया गया है, अब इसमें फाइबर बॉडी के साथ दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड पहले की तरह देखने को मिलता है। फुट पोजिशन इधर भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो गियर है 4 स्पीड तक अभी भी मिलता है पहले की तरह, जो कि आप गियर लीवर्स देख सकते हैं। और इधर का यूटिलिटी बॉक्स देख सकते हैं, क्रोम कलर के साथ यहाँ पे फिनिश देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो इसका ऊपर से डिजाइनिंग है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो हैंडल बार्स है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं पहले की तरह आपको मिलेगा। लेकिन जो नया अपडेट हुआ है उसके अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे नया स्विचेज इसमें ऐड कर दिया गया है, तो ये देख सकते हैं नया स्विचेस मिल जाता है। तो नए अपडेटेड स्विचेस की अगर बात करें तो यहाँ पे पासिंग स्विच नया ऐड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो स्विच की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो चुकी है, और इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम स्विचेस यहाँ पे दे दिया गया है, हेडलैम्प हाई बीम स्विच, और यहाँ पे पासिंग स्विच बिल्कुल अलग है। बाकी यहाँ पे जो ये बटन देख रहे हैं हजार्ड का फीचर है, जिसके दबाने से चारों जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे ब्लिंक्स होने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्न का स्विच देख सकते हैं। दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे आईथ्रेस का जो स्विच है ये भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। स्टार्ट का बटन भी यहाँ पे, सेल्फ स्टार्ट का बटन भी यहाँ पे चेंज किया गया है। बाकी ब्रेक्स पहले जैसे मिलते हैं। मीटर कंसोल की अगर बात करें तो मीटर कंसोल की डिजाइनिंग आपको पहले की तरह देखने को मिलती है। तो एक्सटेक मॉडल है तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, कॉल SMS अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी टॉगल बटन दिया गया है, जिससे कि आप कुछ यहाँ पे आप टॉगल वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ट्रिपेटरी भी चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जहाँ से स्मार्टफोन को आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चेंजेस और देखेंगे, जो इसका जो मिरर्स है वो आपको नया मिरर्स देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से काफ़ी प्रीमियम लगती है। ये भी आपको एक नया चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं एक्सटेक 2.0 में। यहाँ पे जितने भी चेंजेस किए गए हैं मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 97.2 cc का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि 8.02 PS का पावर 8.05 NM का टॉर्क जनरेट करती है। वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। 4 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलता है।
और टायर साइज भी पहले की तरह है। फ्रंट में आपको 80/100 का 18 इंच और रियर में भी आपको 80/100 का 18 इंच के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जिसके फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अभी भी इसमें डिस्क ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, इसमें फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा नए डिज़ाइनिंग के साथ। इसके अलावा नया मीटर कंसोल भी आपको देखने को मिल जाता है, एक्सटेक वेरिएंट में जो मिल जाता है, USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको पहले की तरह देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इसमें जितने अपडेट हुए थे इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया है। बाकी इसके डायमेंशंस की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी आपको यहाँ पे 165mm तक देखने को मिल जाती है। सीट की हाइट यहाँ पे 785mm है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 9.80 तक दी गई है और इसका जो कर्व वेट है 112 kg है। बाकी माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 70+ KMPL तक आराम से माइलेज मिल जाती है। और इसकी जो प्राइस है कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा सा बढ़ चुकी है, 3000 रुपये तक अपने एक्सटेक मॉडल से ज़्यादा इसकी प्राइसिंग बढ़ चुकी है। तो अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक्सम प्राइस उत्तर प्रदेश में 83,511 रुपये तक है और जिसकी ऑनडो प्राइस 1,07,000 रुपये के आसपास चली जाती है। बाकी अगर आप देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे होंगे तो लक्ष्मी मोटर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 खरीद सकते हैं। बाकी इस रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो ऑनडो प्राइस है थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकती है तो अपने नज़दीकी शोरूम पर आप संपर्क कर सकते हैं। हीरो कंपनी के स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में ये नया कलर ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा इसमें आपको एक और कलर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे खड़ी है देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ मिल जाता है। तो इसका भी कलर आप देख सकते हैं, इसकी जो ग्राफिक्स है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ ऐसी डिजाइनिंग के साथ मिल जाती है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी जो इसका पुराना वाला एक्सटेक मॉडल था वो कुछ इस ग्राफिक्स के साथ मिलती थी, वो भी आपको शोरूम पर मिल जाएगा, जिसमें आपको इंडिकेटर लाइट कुछ ऐसा मिल जाता है, स्क्वायर शेप में ऐसा मिल जाता है। तो ये इंडिकेटर ज़्यादा बेहतर लग रहा है या फिर ये वाला इंडिकेटर ज़्यादा बेहतर लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।